यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के दंगल में सभी राजनीतिक पार्टियां कूद चुकी हैं, लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो चुका है, जिसमें अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कूद पड़ी हैं। दरअसल यूपी के फैजाबाद में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची, जहां पर उन्होंने सपा पर सीधा सीधा निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सपा में तो आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा गई है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल फैजाबाद में कल मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। जो कलह है वो सड़कों पर आ चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब जो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं वो कैसे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे? वहां तो इस बात का झगड़ा चल रहा है कि वर्चस्व किसका है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाचार मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उनके पूरे प्रदेश की जो व्यवस्था है वो उनके नियंत्रण में ही नहीं है, ना उनके मंत्री नियंत्रण में है, ना उनके कार्यकर्ता नियंत्रण में है, ना उनकी पार्टी नियंत्रण में है। तो एक लाचार मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो, और ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उधर सर्ज